गुड मॉर्निंग ऑल। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट, एक्टिविटी 6.3। सबसे पहले पढ़ते हैं, इसमें हम रियो प्लांट का यूज़ कर रहे हैं। तो रियो प्लांट जो है ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और इसकी जो लीफ होती हैं वो काफ़ी लॉन्ग होती हैं और मरून कलर की होती हैं, कहीं कहीं ग्रीनिश कलर भी होता है। तो आप एक पत्ती निकाल लो रियो प्लांट की, जो फ्रेश होनी चाहिए, उसे आप स्ट्रेच करो और उसके बाद आप उसको तोड़ो। तो जब आप उसको तोड़ेंगे तो उसकी जो पील है या उसकी जो स्किन जो है वो आसानी से बाहर निकल के आ जाएगी। और पील जो है वो आपको कैसी दिखाई देगी? ट्रांसपेरेंट दिखाई देगी। तो वो पील आप उसमें से निकाल लोगे। इस पील को आप एक पेट्री डिश में रखो, पेट्री डिश कटोरी नुमा एक बर्तन होता है, तो इसमें आप उस पील को रख दो। और इस पेट्री डिश में क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए ताकि ये ड्राई ना हो जाए। उसके बाद आप इसमें 2 बूंद सेफ्रानिन या 3 बूंद सेफ्रानिन डाल दो एंड उसके बाद उसको 1-2 मिनट रहने दो ऐसे ही। उसके बाद ये स्टेन हो जाएगी और उसके बाद फिर आप इसको स्लाइड पे रखो। और इसके बाद वही सेम प्रोसेस जो हमने पहले किया है, हमने इसके बाद इसके ऊपर जो है हम चाहें तो ग्लिसरीन डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही हम इसके ऊपर कवर स्लिप रख के देख सकते हैं। तो जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। तो जो सेल्स की आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे ऊपर जो हमें दिखाई देती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द एपिडर्मिस, ठीक है ना। एपिडर्मिस की जो सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, ताकि बाहर से कोई भी एजेंट अंदर ना आ जाए। अगर हमको स्पेस मिलेगा भी तो हमें किस फॉर्म में मिलेगा? हमको गार्ड सेल्स के फॉर्म में स्पेस मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? हमें स्टोमेटल पोर मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टोमेटल पोर, हमें स्टोमेटल पोर मिलेगा। तो स्टोमेटल पोर किस में होता है? स्टोमा में। स्टोमा क्या है? स्टोमा इज़ द सिंगुलर ऑफ स्टोमेटा, ओके। एक स्टोमेटा में, अगर स्टोमेटा इज़ द प्लूरल वर्ड, और एक जो होता है वो स्टोमा होता है। स्टोमा के अंदर 2 गार्ड सेल होते हैं। हाउ मेनी गार्ड सेल्स? 2। तो ये 2 गार्ड सेल्स हैं और इनके बीच में जो पोर है दैट इज़ कॉल्ड एज द स्टोमेटल पोर। तो आपको दिखाई देगी एक एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती है। ऐसे प्लांट्स जो कि ड्राई हैबिटेट्स में रहते हैं, उन प्लांट्स में ये एपिडर्मिस थिक हो सकती है, बिकॉज वहाँ पर पानी का लॉस बचाना एक इम्पॉर्टेंट काम है। तो पानी का लॉस ना हो, वाटर लॉस ना हो, उसके लिए जो एपिडर्मिस है वो कैसी होती है? थिकर होती है, ठीक है ना। और जो एंटायर सरफेस होता है प्लांट का, आप देखेंगे कि वो एपिडर्मिस से कवर होता है। तो ये सारे पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। यहाँ से ये पॉइंट आपको देखना है। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, एरियल पार्ट का मतलब जो एयर के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, एयर कॉन्टैक्ट, ओके, एयर कॉन्टैक्ट में रहते हैं एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो जो एरियल पार्ट ऑफ प्लांट हैं वहाँ पर जो एपिडर्मिस है उस पर आपको वैक्सी लेयर मिलेगी। कहाँ पर? आउटर सरफेस पे, यानी अपनी जो एपिडर्मिस है उसके बाहर। सपोज ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाहर अपने को क्या मिलेगा? इसमें इसके ऊपर आपको मिल जाएगा वैक्सी लेयर। तो ये वैक्स की लेयर आपको ऊपर मिलेगी इसके। तो ये वैक्सी लेयर क्या कर रही है? ये वैक्सी लेयर जो है प्रोटेक्ट कर रही है इसको किस चीज़ से? दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर, पहली बात, पानी इसका लॉस बचाने के लिए। उसके बाद सेकंड थिंग, मैकेनिकल इंजरी, कोई मैकेनिकल इंजरी होती है यानी कोई चोट लगती है उससे बचाने का काम। कोई फंगस जो है वो उसके अंदर इन्वेड ना कर जाए, तो पैरासिटिक फंजाई से बचाने का काम भी करती है। वरना क्या होगा, आसानी से एपिडर्मिस के थ्रू वो पास करेंगे एपिडर्मिस को नुकसान पहुंचा के, लेकिन अगर वैक्स की लेयर होगी तो नुकसान पहुंचाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका प्रोटेक्टिव रोल होता है जो वैक्सी लेयर है, और ये जो एपिडर्मिस है इसका भी। तो सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म ए कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो आपको दिखाई देगा कि एपिडर्मिस में
कहीं भी स्पेस नहीं होता है एक्सेप्ट द स्टोमेटल पोर्स, ठीक है ना, स्टोमेटा जहाँ होते हैं वहाँ पर आपको स्पेस दिखाई देगा। मोस्ट इपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, जो इपिडर्मल सेल्स हैं वो कैसे होते हैं आकार शेप में, ये फ्लैट होते हैं। ऑफन देयर आउटर साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल, तो उसका मतलब आउटर और साइड वॉल कैसी होती हैं। सपोज ये हमारा एपिडर्मल सेल है और ये आउटसाइड है एरिया, आउटसाइड ये आउटसाइड एरिया है और ये नीचे इनसाइड, यानी सेल के अंदर का हिस्सा है, ठीक है। नीचे मैंने लिख दिया सेल के अंदर का हिस्सा और बाहर सेल के बाहर का हिस्सा, और ये अपने एपिडर्मल सेल्स हैं, ठीक है, इस तरह मैंने बना दिया है इसको। अब ये कह रहे हैं आपसे कि जो आउटर साइड है और जो इनर साइड है वहाँ से ये सेल वॉल जो है, देखो क्या मतलब है, दिखाई दे रहा होगा आपको, हो क्या रहा है आउटर और इनर। अब देखो आउटर कौन से कौन सी साइड हो गई, आउटर मतलब ये वाला हिस्सा और इनर मतलब ये वाला हिस्सा, तो ये यहाँ से आउटर और इनर साइड से ये आपको ठीक दिखाई दे रही है, जबकि इनसाइड वाला जो हिस्सा है ये आपको पतला दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, जो प्रोटेक्शन चाहिए वो सीमेंटिंग मटेरियल यानी साइड में चाहिए और फ्रंट पे चाहिए, तो इसीलिए यहाँ से आपको साइड वॉल्स में और आउटर में आपको ये कैसी मिलेगी, थिक मिलेगी, जबकि अंदर की तरफ आपको ये थिन मिलेगी। आपको एपिडर्मिस पे छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलेंगे, है ना, दीज पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा एंड दे आर एनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स विच आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स। अब स्टोमेटा को पूरी तरीके से जो हम कहते हैं स्टोमेटा जो होता है वो किडनी शेप्ड सेल्स से कवर होता है, तो इस तरह से ये हमारे दो गार्ड सेल्स बन गए। गार्ड सेल्स में हमें क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलते हैं अंदर, तो ये गार्ड सेल्स हैं और गार्ड सेल्स के चारों तरफ आपको दूसरे सेल्स जो देखने को मिलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये गार्ड सेल है, इसके चारों तरफ जो आपको पार्ट मिलेगा दीज आर सब्सिडियरी सेल्स, इनका नाम क्या है, सब सी डी आई ए आर वाई, सब्सिडियरी सेल्स, ओके, एकदम एकदम उसके साथ में लगे हुए। तो सब्सिडियरी सेल्स वाला ये जोन कौन सा है, मैं इसको कलर कर देता हूँ, ये जो जोन है दीज आर सब्सिडियरी सेल्स जस्ट अराउंड द गार्ड सेल्स, ओके, जस्ट अराउंड द गार्ड सेल्स, लुक मैंने इसको कलर कर दिया है, ओके, तो ये सब्सिडियरी सेल हैं जो उसके गार्ड सेल्स के जस्ट येरा आसपास जो प्रेजेंट है। उसके बाद फिर आपको पीछे की तरफ क्या मिलेगा, पीछे की तरफ जो सेल्स हैं ये बड़े बड़े इपिडर्मल सेल्स हैं, क्या हैं ये, इपिडर्मल सेल्स जो चारों तरफ फिर आपको देखने को मिलेंगे। आइए हम बुक में देख लेते हैं इसको एक बार, ये देखिए इपिडर्मल सेल्स की लोकेशन क्या है, गार्ड सेल्स के बाहर, और गार्ड सेल्स के जस्ट अराउंड जो होता है छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स, ओके, ऐसे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और बाकी आप देखिए व्हाट इज स्टोमा, स्टोमा इज द आपको दिखाई दे रहा है दिस होल, स्टोमा में जो पोर है दैट इज स्टोमेटल पोर, ओके, तो स्टोमा का मतलब होता है सिंगुलर, तो एक स्टोमेटा जो अपना जो पूरा का पूरा है उसको, स्टोमेटा का एक जो पार्ट है एक यूनिट जो होती है उसको हम बोलते हैं स्टोमा, और ये दो गार्ड सेल्स से बनता है, तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, ओके। और यहाँ पर इस वाले डायग्राम में देखिए ए वाले में क्या है, ए वाले में आपको दिखाया गया है साइड से अगर हम देखें पत्ती को तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें ये स्टोमेटल पोर दिखाई देगा, बीच में ये गार्ड सेल्स हैं और फिर ये क्या है एपिडर्मल सेल्स, जो इपिडर्मिस के सेल होते हैं जो आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, ये देखिए टाइटली पैक्ड हैं और बीच में आपको ये पूरा का पूरा एक स्टोमा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आई होप आपने यहाँ तक पढ़ा होगा, इधर तक, ठीक है ना,
उसके बाद ये वाला पार्ट भी हो गया, किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स। और ये गार्ड सेल्स का फंक्शन क्या है? दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विद द एटमोसफियर। तो जो एटमोसफियर से गैसेस का एक्सचेंज है ना, उसको करने के लिए ये गार्ड सेल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इसका एक्सचेंज करने के लिए इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा जो ट्रांसपिरेशन होता है वह भी स्टोमेटा के अक्रॉस ही होता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। यानी वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में जब प्लांट्स अपने एरियल पार्ट से लूज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और ये ट्रांसपिरेशन कराने में भी स्टोमेटा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, इसके बाद वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप, अच्छा एक काम करते हैं, इसको इसी में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ही है, ठीक है ना, इसी में पढ़ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, रिकॉल विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। ओके, तो आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड फाइंड आउट द रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। तो ट्रांसपिरेशन के हेल्प से वाटर प्लांट्स के ऊपर तक पहुँच पाता है, तो वाटर को पुल करना है ना, पुल वाटर, वाटर को पुल करना प्लांट्स में किसका काम है? ट्रांसपिरेशन का। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन से एक और फ़ायदा होता है, कूल कर देता है वो प्लांट्स को, तो प्लांट के जो सरफेस हैं वो कूल हो जाते हैं और वाटर को पुल करने में हेल्प करता है। तो ये फंक्शन हो गए हमारे ट्रांसपिरेशन के। इपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स, रूट्स में भी जो इपिडर्मिस होती हैं उनका काम होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन कराना। और क्योंकि उनके पास क्या होता है, जैसे हमारी रूट्स हैं तो रूट्स के पास रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये रूट हेयर्स जो होते हैं इनके साथ में आसानी से पानी जो है अंदर इनके एब्जॉर्ब हो जाता है, और ये रूट हेयर जो होती हैं एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया भी बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से आसानी से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, एपिडर्मिस के ऊपर आपको मिलेगा क्यूटिन, है ना, क्यूटिन। और ये क्यूटिन क्या होता है? वैक्सी सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। क्यूटिन आपको कहाँ मिलेगा? डेजर्ट प्लांट्स में। और ये क्यूटिन जो है वाटर प्रूफ क्वालिटी दे देता है उसको आउटर सरफेस से, और ऐसा होने की वजह से जो वाटर लॉस है वो कम होता है डेजर्ट प्लांट्स के सरफेस से। तो याद रखिएगा, क्यूटिन फॉर्म्स क्यूटिकल। ओके, तो जो क्यूटिकल है उसको बनाने का काम कौन कर रहा है? क्यूटिन। तो नेक्स्ट पार्ट आप देखेंगे, जो ट्री होता है, ट्री में जो आउटर लेयर होती है किसी भी यंग स्टेम की, सपोज ये स्टेम है, इसकी जो आउटर लेयर है यानी ये वाला जो पार्ट है, ये आपको कैसा मिलता है? हार्ड मिलता है। वो यंग स्टेम में तो आपको ये ग्रीन मिलता है, लेकिन जब प्लांट ओल्ड होने लग जाता है तो ये पार्ट कैसा हो जाता है? हार्ड हो जाता है। एज प्लांट्स ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगोज सर्टेन चेंजेस। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हम देखें, जैसे हमारे स्टेम है, स्टेम के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम की पोजीशन मैंने आपके साथ डिस्कस की थी जो पहले वीडियोस थे, वो थोड़ा अंदर होती है, जो हमारा एपिडर्मिस होता है उससे अंदर की तरफ होती है। और यहाँ से क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होती है जब हमारा स्टेम ओल्ड हो जाता है, और उससे हम देखते हैं किसका डेवलपमेंट होते हुए, कॉर्क का डेवलपमेंट होते हुए हम देखते हैं। तो कॉर्क जो है वो बाहर की तरफ डेवलप होने लगता है, और ये सारा पार्ट कैसा हो जाता है, ये सारा पार्ट जो है हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एज प्लांट ग्रो ओल्डर वी सी सम चेंजेस ए स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम का मतलब सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, कहाँ पर था सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अंदर था, ये लोकेशन थी, ठीक है ना, स्टेम से थोड़ा सा अंदर। तो इसमें क्या होता है, इट फॉर्म्स अ लेयर ऑफ सेल्स विच कंस्टिट्यूट द कॉर्क। तो ये क्या करेगा, कॉर्क का फॉर्मेशन शुरू करेगा। कॉर्क के सेल्स कैसे होते हैं? डेड होते हैं। कॉर्क के सेल्स होते हैं डेड, और अपने हमने रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा था, रॉबर्ट हुक ने भी डेड सेल्स में ही देखा था, सबसे पहले डेड सेल्स को ही देखा था। सो दी सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज, यानी बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, और अंदर उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस यानी इन सेल्स के बीच में जो जगह होती है, गैप होती है, वो बहुत कम होता है। दे ऑल्सो हैव ए सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड एज सुबिरिन। तो कॉर्क के अंदर जो कॉर्क सेल्स होते हैं उसमें आपको क्या मिलेगा, सुबिरिन मिलेगा।
और सुबिरिन की वजह से इन सेल्स के थ्रू वाटर और गैसेस आसानी से इनके अक्रॉस आर पार नहीं जा पाती, तो इसका मतलब ये है कि दे बिकम इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। तो व्हाट हैपेंस व्हेन द कॉर्क डेवलप्स, आउटर एपिडर्मिस जो है वो रप्चर हो जाती है यानी टूट जाती है, और हम देखते हैं कि कॉर्क सेल्स जो हैं वो अंदर से बाहर की तरफ डेवलप होते हुए आ जाते हैं। तो इस तरह से कॉर्क का डेवलपमेंट होते हुए हम देखते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो सुबेरिन का ध्यान रखना है, ठीक है, एक आपको ये क्यूटिन वाला पॉइंट है इसका ध्यान रखना है, कॉर्क का ध्यान रखना है, कॉर्क क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है क्यूटिन, है ना, और डेजर्ट प्लांट्स इसमें होता है, और बस ठीक है, इन पॉइंट्स का इस पेज में यही ध्यान रखना है। उसके अलावा ट्रांसपिरेशन का रोल, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।